हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको अपनी कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मैंने रेडी की है, और इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगी। तो मुझे जो मैं ड्रेस तैयार की है इनको मैं पूरा आपको खोल कर दिखाऊँगी, इनके बारे में बताऊँगी कौन सा फैब्रिक है ये, और पूरा मैं पिक भी दिखाऊँगी साथ में पहनने के बाद इसका लुक किस तरह से आएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैं आपको यही बताऊंगी साथ साथ कि इसमें हमें ये जो ड्रेसेस बनाई है मैंने किसमें कितना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है बनाने में, तो यही मैं आपको बताऊंगी और कपड़े के बारे में पूरी जानकारी दूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए कहीं से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ड्रेसेस खोल कर पूरा। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्रेस है मेरी वो शरारा वाली है, और ये मैंने 11 साल की लड़की के लिए बनाई है। ये देखिए, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, कुर्ती मैंने जॉर्जेट के फैब्रिक में बनाई है। और ये देखिए, नेक पर मैंने लेस लगाई है और स्लीव्स में मैंने फ्रिल लगाई है, और नीचे का जो शरारा है ये मैंने साटन के फैब्रिक में बनाया है। और शरारा में करीब 2.5 मीटर मुझे कपड़ा लगा है मेरा। ये देखिए, पिक देख सकते हैं आप हर ड्रेस के साथ। ये देखिए, एक ड्रेस और रेडी की है मैंने, ये 32 साइज की कुर्ती है, और इसकी देखिए मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है। और ये नीचे देखिए, मैंने डबल फ्रिल का शरारा रेडी किया है इसके साथ, देखिए। और इसमें करीब हमारा 2.5 से 3 मीटर कपड़ा हमारा लगा है साटन का। देखिए पिक आप देख सकते हैं, और इसकी शरारा और कुर्ती की वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो देखिए, अब जो हमारी दूसरी ड्रेस है ये देखिए, मैंने पेपलम कुर्ती बनाई है, आजकल बहुत फैशन में है ये, और ये मैंने 11 साल की बच्ची के लिए बनाई है। ये भी जॉर्जेट का फैब्रिक है, और नीचे मैंने देखे इसके धोती सलवार बनाई है, और ये साटन का फैब्रिक है। और देखिए नेक्स्ट है हमारी, देखिए जैकेट, ये मैंने शॉर्ट जैकेट रेडी की है। आगे से देखिए, मैंने इसे ओपन किया है, सिर्फ मैंने डोरी दी है ये, और नीचे लटकन लगाई है मैंने इसे, फुल स्लीव्स की बनाई है मैंने जैकेट ये, और आप इसे कुर्ती के साथ या गाउन के साथ पहन सकते हैं। और जो नेक्स्ट है देखिए, ये मैंने गाउन रेडी किया है, ये मैंने जैकेट के साथ के लिए रेडी किया है, और ये साटन के फैब्रिक में बनाया है मैंने, और इसे बनाने में करीब 4.5 मीटर कपड़ा लगता है, और मैंने ये फुल सर्कुलर में बनाया है, बहुत केयर आया है इसका। और ऊपर से देखिए, मैंने इसे प्रिंसेस लाइन में बनाया है, स्लीव्स मैंने इसमें हाफ लगाई क्योंकि मैं ऊपर जिसमें जैकेट डालेंगे तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ स्लीव्स बनाई है। और देखिए जैकेट के साथ बहुत सुंदर लुक आएगा इसका, आप पिक में देख सकते हैं। ये देखिए, आप इसे कुर्ती के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मैंने ये स्कर्ट वाली ड्रेस रेडी की है, तो ये देखिए कुर्ती है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, उसमें पूरे में सीक्वेंस वर्क हुआ है। इसे बना कुर्ती के लिए हमें करीब 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। इसे मैंने नीचे लेस दी है, लेस मैंने पतली दी है क्योंकि ये कपड़ा पहले ही बहुत हैवी है, पूरे वर्क है इसमें, तो इसलिए मैंने हल्की लेस दी है इसमें। और इसके साथ देखिए, मैंने स्कर्ट रेडी की है ये, और स्कर्ट बनाने में करीब 6 मीटर नेट लगी है मेरी, और ये मैंने प्लेट वाली स्कर्ट बनाई है। ये देखिए, दुपट्टा रेडी किया है मैंने, और इसमें भी मैंने हल्की लेस दी है जैसे मैंने कुर्ती में दी है, उसी तरह की मैंने देखी इसमें पूरे में ये लेस यूज़ की है। इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल पर अपलोड होगी।
पिक में देख सकते हैं आप ये पहनने के बाद लुक किस तरह से आएगा इस ड्रेस का। ये देखिए ये भी एक स्कर्ट वाली ड्रेस रेडी की है मैंने। ये देखिए ये स्कर्ट है, ये देखिए जैसे मैंने आपको भी वाइट दिखाई थी सेम उसी तरह से बनाई है मैंने ये भी। ये लॉन्ग देखिए कुर्ती है इसके साथ, और ये नेट का फैब्रिक है और नेट के फैब्रिक के ऊपर सीक्वेंस वर्क है, और ये नीचे देखिए बॉर्डर पर फेदर लगे हुए हैं। बहुत देखिए पहनने के बाद प्यारा लुक आता है इसका, और ये मैं दिखाऊंगी आपको पिक में। और देखिए पूरा मैंने दुपट्टे पर इसमें सिल्वर कलर की लेस दी है क्योंकि इसमें कोई गोल्डन वर्क नहीं है, तो इसलिए मैंने ये पूरा इसमें लेस सिल्वर कलर की दी है। ये ग्रे के साथ सिल्वर ही चलता है, गोल्डन लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने सिल्वर यूज़ किया इसके साथ। ये देखिए अब जो नेक्स्ट ड्रेस है ये गाउन है, ये फ्रिल वाला गाउन रेडी किया है मैंने। ये बहुत प्यारा कलर की गाउन है, ये पूरे पे देखिए मैंने फ्रिल दी है इसमें, और ये 11 साल की लड़की के लिए बनाया है मैंने, पूरा नेट के फैब्रिक से बनाया है मैंने ये। और ऊपर देखिए मैंने इसमें फ्लावर लगाए हैं, ये नेट के ही बना के मैंने पूरी चोली पे ये सुई से अटैच किया है। और इसे बनाने में करीब मेरी 16 मीटर नेट लगी है, पूरे इसमें बनाने में 16 मीटर नेट लगी है इसमें। इसका भी देखिए लुक बहुत सुंदर आ रहा है पहनने के बाद, आप पिक में देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए मैंने लहंगा रेडी किया हुआ है, लहंगा रेडी किया है पिंक ये कलर पिंक कलर का लहंगा बनाया है मैंने, पूरा नेट फैब्रिक में है। ये देखिए इसका ब्लाउज़ है, ये पैरेट ब्लाउज़ है, नीचे मैंने हैवी नेट दी है, ऊपर मैंने प्लेन नेट दी है इसमें, और मैंने देखिए बॉर्डर लगाया स्लीव्स पे, और बैक साइड से देखिए मैंने इसमें डोरी दी है, इसमें जिप नहीं लगाई है मैंने, डोरी दी है पीछे, इसी से हमारी फिटिंग अच्छी हो जाएगी। और नीचे देखिए मैंने ये नेट के फैब्रिक से ही लटकन बनाई है। ये 32 साइज़ है, और ये मैंने दुपट्टा रेडी किया है फ्रिल वाला। ये दुपट्टा बनाने में करीब मेरी 2.5 मीटर देखिए नेट लगी है इसमें, मैंने 2 लेयर लगाई है। और देखिए ये मैंने लहंगा रेडी किया है, ये देखिए, और इस लहंगे को बनाने के लिए करीब 13 मीटर मेरी नेट लगी है इसमें। नीचे से मैंने केन केन नहीं लगाई है, आप चाहे तो केन केन भी लगा सकते हैं। मैंने केन केन की अलग से स्कर्ट रेडी की हुई है, उसे किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं आराम से, और वीडियो मैंने पहले डाली हुई है किस तरह से बनाते हैं किन किन की स्कर्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
देखिए बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका भी पहनने के बाद। आप पिक में देख सकते हैं। और अब देखिए जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मैंने देखिए लहंगा रेडी किया है। ये दुपट्टा है इसका और ये ब्लाउज़ है, ये प्रिंसेस लाइन में बनाया है मैंने। देखिए फुल स्लीव्स है और ये मैंने बिना पैड वाला बनाया है। पीछे मैंने इसमें हुक दिए है, ये देखिए ये पीछे मैंने हुक लगाया है इसमें और ये डोरी दी है। और ये मैंने देखिए साथ बेल्ट रेडी की है। और देखिए ये कलीदार लहंगा बनाया है मैंने, ये पूरी देखिए 12 कली है इसमें। और इस लहंगे को बनाने के लिए करीब 5.5 मीटर मैंने देखिए कपड़ा लिया है। 5.5 मीटर कपड़े में हमारा ब्लाउज और 12 कली का लहंगा आराम से बन जाता है। मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड की हुई है कलीदार लहंगे की। इसमें मैंने नीचे की इनकिन लगाई है कि बहुत हैवी बनाई है। और देखिए चिनॉन का फैब्रिक लिया है मैंने, साइड में मैंने इसमें जिप दी है चिनॉन के फैब्रिक पर, गोल्डन वर्क है सीक्वेंस में। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आगे चैनल पर डालूंगी। देखिए दुपट्टे में मैंने गोल्डन लेस दी है। आप देखिए पिक में देख सकते हैं इसका लुक किस तरह से आएगा पहनने के बाद। फ्रेंड्स मेरी लास्ट ड्रेस थी, तो आपको ड्रेसेस कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वेट करिए इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी मैं चैनल पर, तो ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।